नमस्कार दर्शकों, किसी भी तरह की तकलीफ यानी परेशानी होने पर हम अपने भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं। वहीं इसके बाद जब हम किसी ज्योतिष के जानकार के पास जाते हैं तो वह हमें ग्रहों की चाल का वास्ता देते हुए आ रही परेशानियों का न केवल कारण बताते हैं बल्कि अधिकांश उसके निवारण का उपाय भी बता देते हैं। दरअसल ज्योतिष में माना जाता है कि आकाश में घूम रहे ग्रहों की दशा व दिशा का हमारे जीवन पर भारी प्रभाव पड़ता है। इसमें भी सबसे खास बात यह है कि केवल परेशानियां तक ही नहीं बल्कि हमारे जीवन की हर स्थिति का ग्रहों से खास नाता माना जाता है। इसके तहत चाहे आपके जीवन में खुशी का पल हो या दुख का, आपके परिवार का संबंध हो, रिश्तों या दोस्ती का, हर जगह ग्रहों की स्थिति गति का असर होता है। कुल मिलाकर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों और नक्षत्रों का संबंध सीधे हमारे जीवन से जुड़ा होता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में ये ग्रह विभिन्न पहलुओं से जुड़े होते हैं। इन ग्रहों का संबंध परस्पर हमारे रिश्तों के साथ जुड़ा रहता है। माना जाता है कि हमारे व्यक्तिगत रिश्तों पर ग्रहों का सीधा प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रह होते हैं और इन 9 ग्रहों का असर हमारे हर किसी रिश्ते पर पड़ता है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ग्रहों का हमारे रिश्ते से क्या संबंध है। तो दर्शकों, रिश्तों में सूर्य ग्रह जुड़ा हुआ माना गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने पिता से दूरी बनाकर रहता है या पिता का अनादर करता है तो इसका मतलब वह अपने सूर्य को कमजोर करता है। आपके जीवन में सूर्य ग्रह का कमजोर होना, तो दर्शकों हम आपको बता दें कि मतलब इससे कई तरह की परेशानियां आपको घेर सकती हैं। इस ग्रह के कमजोर होने का मतलब है कि आप आर्थिक संकट, बीमारी, मानसिक तनाव आदि से परेशान रहेंगे। अब बात करते हैं सूर्य ग्रह के ठीक करने या कहें कि खुश करने के सारे उपाय तब तक बेकार हैं जब तक आपके रिश्ते पिता के साथ अच्छे नहीं बन जाते। पिता के बाद अब बात करते हैं माँ के साथ व्यक्तिगत संबंध के बारे में। यदि आपके रिश्ते अपनी माँ से खराब हैं तो इसका मतलब है कि आपका चंद्रमा कमज़ोर है, या इसे दूसरी भाषा में कहें तो माँ के साथ रिश्ते खराब होने का चंद्रमा पर खराब असर पड़ता है। अब बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप अपनी माँ को अपमानित करते हैं या कोई अपशब्द कहते हैं तो आपका चंद्रमा नाराज होगा, जिससे नाराज होने से आपको कई परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। अब बात करते हैं चंद्रमा के नाराज होने से आपको कई प्रकार की बीमारियां लग सकती हैं, आपकी तरक्की भी रुक सकती है, साथ ही आपकी आर्थिक तंगी से जूझ सकते हैं। इसके बाद अब नंबर आता है ससुराल से आपके संबंध। जी हाँ दर्शकों, चाचा चाची, ताऊ और दूसरे संबंधियों के साथ आपके संबंध कैसे बिगड़ते हैं। यदि आपके रिश्ते इन लोगों से भी बिगड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आपका मंगल ग्रह दिक्कत में है। मंगल ग्रह के कमजोर पड़ने से ही छोटे भाई बहन के साथ आपके रिश्तों में खटास आ जाती है। इसके अलावा भाई बहन, मम्मी पापा और मामा मामी अपने विरोधियों से आपके रिश्ते बुध ग्रह के कारण ही बनते और बिगड़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु और शुक्र के कारण आपके रिश्ते जीवन साथी और दोस्तों के लिए बनते और बिगड़ते हैं। शनि ग्रह के कारण सास ससुर, बेटे बेटियों और दोस्तों के साथ रिश्ते बनते हैं और बिगड़ते हैं। दर्शकों, राहु ग्रह का आपने नाम तो सुना ही होगा, अक्सर ये ग्रह किसी न किसी कारण चर्चा में बना रहता है। आपको बता दें कि राहु दादा से रिश्तों के लिए जिम्मेदार हैं और केतु नाना से आपके रिश्ते के लिए बनाने और बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। राहु ग्रह का संबंध आपके दादा के साथ ही आपकी ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध बनाता और बिगाड़ता है। तो दर्शकों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। नेक्स्ट 9 स्पेशल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट 9 स्पेशल से रजत की रिपोर्ट।